देखो, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में 25 तक कंप्लीट कर लिया था। 25 के बाद जो है रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो नहीं काम कर रहा था लाइव। तो 26 क्वेश्चन जो है हम लोग देख चुके थे। तो 26 में करा है गुड नाइट। तो गुड नाइट हम किसी व्यक्ति से मिलते समय नहीं कह सकते। जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग कहते हैं। जब किसी से विदा लेते हैं तब गुड नाइट कहते हैं। इसलिए यहां पर आंसर गुड नाइट कहना गलत है। सही गुड नाइट के जगह पर हम गुड मॉर्निंग कहेंगे या गुड इवनिंग कहेंगे। तो जब किसी से विदाई लेंगे तब गुड नाइट कहेंगे, और जब किसी से मिलेंगे तब हम क्या कहेंगे, गुड इवनिंग या गुड नाइट, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग कहेंगे। तो क्वेश्चन जो है यहाँ कह रहा था गुड नाइट आई एम ग्लैड टू सी यू, और नो एरर कह रहा था। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा गुड नाइट के जगह गुड इवनिंग या गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जो है 27 नंबर में कह रहा है, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस। मेरा साले लोग जो मुंबई में रहते हैं मेरे साथ रहने रहने कह रहा है आए हैं। तो यहां पर कह रहा है कंपाउंड नाउन है ये। कंपाउंड नाउन का प्लुरल बनाने के लिए हम मेन वर्ड में एस जोड़ते हैं। जैसे मदर इन लॉ का प्लुरल बनाना हो तो हम कहेंगे मदर्स इन लॉ। फादर इन लॉ का प्लुरल बनाना हो तो कहेंगे फादर्स इन लॉ, एस फादर में लगाएंगे। ब्रदर इन लॉ का प्लुरल बनाना हो तो हम इसे ब्रदर्स इन लॉ कहेंगे, यानी एस लगाएंगे कहां पर, मेन वर्ड में लगाएंगे। इसलिए यहां ब्रदर इन लॉ का प्लुरल होगा ब्रदर्स इन लॉ। क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ। आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि एडवाइस इंफॉर्मेशन ब्रेड स्टोन फर्नीचर ब्रिक, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें अलग से एस सी एस नहीं जोड़ा जाता है, इसमें अलग से एस सी एस नहीं जोड़ा जाता है। ये जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है ये गलत है। सही होगा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में अलग से एस सी एस लगाना गलत माना जाता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। यहां लिख दिया गया है क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन में अलग से एस सी एस नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब पढ़ाया गया है पहले से। आई सॉ द एक्सीडेंट बट फॉर्चुनेटली आई डिड नॉट हैव टू गिव द एविडेंस। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। एज क्योंकि देयर वेयर और लार्ज नंबर ऑफ, ये आता है बहुत बड़ी संख्या में, और अन्य गवाह वहां पर उपस्थित थे। तो जब आदमी किसी चीज का गवाह हो, जब आदमी किसी चीज का गवाह हो तो उसके लिए हम विटनेस यूज करते हैं, एविडेंस नहीं। तो एविडेंस के जगह विटनेस का यूज करेंगे। यहाँ पर यूज लिखाया गया है, जब आदमी गवाह हो तो विटनेस, जब वस्तु किसी चीज का प्रूफ हो तो के लिए एविडेंस यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी नाउन चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है। 30 नंबर क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है, क्वेश्चन देखिए कि हिज कंपनी इज वन ऑफ द कंपनी। अब यही से याद कीजिए, वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आता है, प्लुरल। वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर। तो यहां पर ये जो कंपनी दिख रहा है ये कंपनी होगा क्या, नहीं। नाउन प्लुरल चाहिए तो कंपनी के जगह क्या हो जाएगा, कंपनीज हो जाएगा। आई होप कि बातें समझ में आ रही है। कंपनी के जगह क्या हो जाएगा, कंपनीज हो जाएगा। आगे देखिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कह रहा है, आवर कॉलेज प्रिंसिपल नेवर एक्सेप्ट एनी डोनेशन फ्रॉम पीपल विथ मीगर सोर्स। मीगर का मतलब होता है कम। मीगर का क्या मतलब होता है, बहुत कम। अब यहां डोनेशन का मतलब दान या चंदा, दान या चंदा कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, दान या चंदा। आवर कॉलेज प्रिंसिपल नेवर एक्सेप्ट एनी डोनेशन फ्रॉम पीपल विद मीगर रिसोर्सेज। हमारे जो प्रिंसिपल हैं, गरीब आदमी से जिसके पास बहुत कम पैसा है उससे कभी भी क्या नहीं लेते हैं, कभी भी क्या नहीं लेते हैं, घूस नहीं लेते हैं। तो आंसर बताने का कोशिश कीजिए क्या होगा आंसर। तो आंसर लिखेंगे नो एरर होगा। देखिए हम आप बता देते हैं, यहाँ पर ऐसा इसलिए दिया है कि दो कॉन्सेप्ट होता है। यदि ऐसा लिख देता ना, इसका मतलब होता है सिद्धांत। ये क्वेश्चन डायरेक्ट सही लिख दिया गया है, और
ऐसा का मतलब होता है प्रिंसिपल जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक। तो यहां पर ये सही है, यहां पर ये सही है, इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, नो एरर लिखेंगे। लेकिन यदि प्रिंसिपल के जगह ऐसा वाला लिख देता तो आपको सही करना पड़ता, यहां पर पहले से नो एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इतना ज्यादा ये कॉन्सेप्ट आ गया है ना बाबू, अब तो आपको पहले से ही पता होगा कि आंसर क्या होगा। वन ऑफ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू कीप अप ट्राइंग एंड नॉट गिवन टू दिस दिस दिस। और कलर का पूछा हुआ है, अब इसमें हिंट क्या दे, इतना ज्यादा हिंट दे चुके हैं कि भैया जी वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है। आई होप कि इतना ज्यादा ये आ चुका है, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि आंसर क्या होगा, इतना ज्यादा आ चुका है, इतना ज्यादा आ चुका है कि बताने के लिए बाप इसमें सोचना ही नहीं है। आंसर ए सीक्रेट नहीं, क्या होगा, सीक्रेट्स होगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल तो आता है लेकिन वर्ब कैसा दिया जाता है, सिंगुलर दिया जाता है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 33। इन स्पाइट ऑफ फोर लेटर्स वी हैव सेंट, वी हैव रिसीव्ड नो आंसर फ्रॉम अथॉरिटी। वाओ, अब देखिए ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन, और कब, 91 में ही पूछा था। आंसर बताने का कोशिश कीजिए, बहुत जल्द आंसर बताइए क्या होगा, एकदम जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से आंसर बता दीजिए। इन स्पाइट ऑफ फोर लेटर्स, चार लेटर मिलने के बाद, वी सेंड हमने भेजा, वी हैव रिसीव्ड हमने पाया नो आंसर। तो देखिए ये सही ही है, यहां पर कई लोग कहते हैं नो रिप्लाई होना चाहिए था, लेकिन हमारे हिसाब से यहां पर नो एरर होगा। क्या होगा, नो एरर होगा, क्योंकि कई जगह पर कई बुक लिखता है रिप्लाई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नो आंसर, नो आंसर और नो रिप्लाई दोनों एक ही चीज है। हमने इतना भेजा उसके बाद भी वहां से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए आंसर में हमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। नो आंसर और नो रिप्लाई एक ही बात है, हमने उससे कई बार पूछा लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दिया, हमने उसको चार बार पांच बार लेटर भेजा, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया या कोई आंसर नहीं दिया, तो एक ही बात है ना, इसलिए हम लोग लिखेंगे नो एरर होगा। क्या होगा, नो एरर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1998 में पूछा गया था पीओ में, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, यदि आप देखेंगे ध्यान से तो आंसर माइंड में कहीं आ जाए, देखने का कोशिश कीजिए। थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है क्वेश्चन में, और माइंड को स्थिर करके देखिए, आई होप कि आंसर मिल जाए। इफ पीपल गेट रेकरिंग अपॉर्चुनिटी, बार बार जब मिलता है अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिपेंडेंट थिंकिंग, सोचने का, दे वुड बेटर प्रिपेयर फॉर इट। तो हमारे हिसाब से नो एरर हो रहा है, आंसर नो एरर होगा, क्योंकि हम आपको बता देते हैं यहां पर का कंडीशन क्या है। यहां पर कंडीशन है इफ प्लस सब्जेक्ट का प्लस वेयर रहता है या वी टू रहता है या हैड रहता है, इसके बाद कोई नाउन आ जाता है, इसके बाद फिर सब्जेक्ट के साथ वुड आ जाता है, अब प्लस वी वन आ जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है, और ये सेंस इमेजिनेशन वाला आ जाता है। क्या जाता है, इमेजिनेशन या कंडीशन। जैसे कि यदि मैं चिड़िया होता, इफ आई वर अ बर्ड कॉमा आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। तो ये कॉन्सेप्ट सेम वही है, इसलिए यहां पर आप नो एरर लिख देंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर देखिए इफ के साथ इफ पीपल गेट, तो यहां पीपल कर रहा इफ पीपल गेट, तो ये कंडीशन दिखा दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। अच्छा यहां पर एक और चीजें हैं, यदि हम इसको कंडीशन के तहत रखेंगे तो यहां पर एक बात और हो जाता है, ये विल जहां पर दिख रहा ना वुड, यहां पर विल लेके हम कंडीशनल सेंटेंस बना सकते थे, यदि हम चाहते
तो इसको कंडीशनल सेंटेंस भी बना सकते थे। वो कैसे बनाते कंडीशनल सेंटेंस, तो यहां पर थोड़ा सा अलग अलग रूल्स काम कर जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस बनाते क्योंकि कंडीशन वाला सेंटेंस में बिल आता है कि इफ पीपल गेट रेकरिंग अपॉर्चुनिटी मिलता मिलेगा तो ये करेगा, तो दे वुड के जगह क्या कर सकते थे, दे विल कर सकते थे यदि कंडीशनल सेंटेंस में लेते तब, क्योंकि यहां पर फिर गेट के जगह गॉट देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा गॉट देना पड़ेगा, तब उधर सही होगा। इस हिसाब से यहां पर हमें थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है, यहां पर थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। इसमें क्या सुधारना है, यहां पर यदि इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं तो यहां पर गेट के जगह गॉट करना होगा क्योंकि हमें वी टू चाहिए, हमें क्या चाहिए वर या वी टू चाहिए, वर या वी टू चाहिए, तो यहां पर गेट के जगह क्या कर दीजिए गॉट। या एक कंडीशनल सेंटेंस होता है जैसे ऐसा होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन एब्लिक वी फाइव प्लस और इधर आता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ऊपर वाला इमेजिनेशन है, ऊपर वाला क्या है इमेजिनेशन, और नीचे वाला है कंडीशनल, नीचे वाला सेंटेंस क्या है ये कंडीशनल सेंटेंस है। जैसे यदि इफ यू कम हेयर, यदि तुम यहां आओगे आई सेल या आई विल, आई सेल गिव यू अ रेड रोज, कंडीशन दे दिया कि यदि तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हें लाल गुलाब दूंगा, यदि तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हें लाल गुलाब दूंगा। तो यहां पर करा इफ पीपल गॉट रेकरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिपेंडेंट थिंकिंग दे वुड बेटर प्रिपेयर फॉर इट, तो यहां पर कंडीशनल भी सुनवा सकते थे। और इधर यदि आप चाहते ये गेट रहता तो इधर छोड़ के आप यहां पर इसके जगह पर क्या लगा सकते थे बिल लगा सकते थे, दोनों कंडीशन में आप सही बना सकते थे। तो हम लोग कंडीशनल सेंटेंस नहीं इमेजिनेशन से बना देंगे तो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन को, इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग, बिल्कुल सही है, इन स्पाइट ऑफ के बाद वी फोर लगता है, इन स्पाइट ऑफ के बाद दिरंड यानी वी फोर लगता है और ये बिल्कुल सही दिख रहा है। आवर बेस्ट वी कुड नॉट रीच एन एग्रीमेंट On any of the issues, ध्यान से देखिए, hint कर देते हैं, any of के बाद plural noun आता है, तो ये any of के पर plural noun है इसलिए answer no error हो जाएगा, answer क्या हो जाएगा no error हो जाएगा, क्योंकि one of or any of के बाद plural noun आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द रीजंस फॉर माय लिविंग द कंपनी वाज द लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड देयर, ध्यान से देखिए, वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल आता है बिल्कुल आ गया, वर्ब सिंगुलर आता है यहां बिल्कुल वर्ब सिंगुलर आ गया, तो यहां पर सीधे सीधे आप नो एरर दे दीजिए क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल आता है और वर्ब सिंगुलर आता है, तो आंसर हो जाएगा नो एरर। कॉन्सेप्ट वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल आ चुका है, वर्ब सिंगुलर आ चुका है यानी नो एरर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जो लोग नाउन पढ़ चुके हैं आई होप उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउन का यदि आप क्लास नहीं किए हैं तो पूरे नाउन का आपके पास 15 लेक्चर अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल पर भारतीय अकेडमी पटना पर, आप पूरे नाउन का पहले लेक्चर देख लीजिए फिर कॉमन एरर पे आइए, सारा क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। अब यहां पर आपको देखने की जरूरत है माय ग्रैंडफादर वाज अप्रिशिएटेड बाय हिज ऑनेस्टीनेस, अब यहां पर देखिए आंसर क्या कहना चाहिए, ये हिंट कर दे कि ऑनेस्ट जो है, हिंट कर दे ऑनेस्टी जो है ना ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें अलग से एस एस नहीं लगता है, इसमें अलग से एस एस की कोई जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि ये खुद अनकाउंटेबल है,
इसलिए यहां आंसर होगा डी, बच्चा ऑनेस्टी नेस जो है ये गलत है। सही क्या होगा? ऑनेस्टी होगा। क्या होगा? ऑनेस्टी में अलग से एस एस नहीं लगता है, ये याद रखना है। बाय हिज ऑनेस्टी माय ग्रैंडफादर वाज अप्रिशिएटेड, प्रशंसा किया गया बाय हिज ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी नेस गलत है, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत थी। ऑनेस्टी नेस नहीं होता है, ऑनेस्टी होता है। क्या होता है? ऑनेस्टी होता है, ऑनेस्टी नेस कहना गलत है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 38 क्या कह रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन को देखना है। 38 क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कहता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ईमानदारी, इंटीग्रिटी एंड बीइंग इंटेलिजेंट ये गलत है। सीधे लिखना होगा इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। चूंकि नाउन हमें चाहिए, ऑनेस्टी नाउन है, इंटीग्रिटी नाउन है, तो यहां पर ये एडजेक्टिव की कोई जरूरत नहीं है। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए यहां पर? आंसर ए, बीइंग इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट यहां पर आपका एडजेक्टिव है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। और इसके पहले देखिए आपके साथ नाउन आ रहा है, तो यहां पर आंसर होगा आपका इसके जगह पर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस होगा यानी नाउन होगा। उससे पहले नाउन आ रहा है इसलिए यहां पर एडजेक्टिव नहीं लिखेंगे, यहां पर क्या लिखना है? नाउन का यूज करना है। ठीक है, इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंस चाहिए क्योंकि उसके पहले नाउन आ रहा है। इंटेलिजेंस आर द क्वालिटीज विच वी लुक फॉर व्हेन वी आर इन ऑफिस, जब हम ऑफिस में होते हैं। ईमानदारी, वफादारी और इंटेलिजेंस खोजते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, गांधी जी लिव्ड अ नोबल लाइफ ऑफ फास्टिंग एंड पॉवर्टी इन ऑर्डर टू वर्क फॉर पीसफुल एंड इंडिपेंडेंस। ध्यान से देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 2001 ईस्वी में। क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो आंसर शायद बन सकता है। आप ध्यान से देखिए, पीसफुल और पीस में अंतर होता है। ध्यान से देखिए, गांधी जी लिव्ड अ नोबल लाइफ ऑफ फास्टिंग एंड पॉवर्टी इन ऑर्डर टू वर्क फॉर पीसफुल, नहीं ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और आपको क्या चाहिए? नाउन, इन ऑर्डर टू वर्क फॉर पीस, शांति के लिए शांति के लिए। यहां पर क्या है? शांति पूर्वक। क्या है? शांति पूर्वक। तो ये दोनों में अंतर है। यहां पर आपका आंसर में पीस होना चाहिए। यहां देखिए नाउन है ना, यहां नाउन है, इधर भी क्या चाहिए? नाउन चाहिए। और नाउन के रूप में आप क्या यूज करेंगे? पीस यूज करेंगे। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? पीसफुल के जगह पीस होगा। एंड के आगे पीछे देखिए बता देते हैं, एंड, बट और नॉर ये सब जो है ना इसके आगे पीछे सेम लगता है। यहाँ भी वन रहेगा तो यहाँ भी वन, यहाँ भी फोर होगा तो यहाँ भी फोर होगा, यहाँ नाउन रहेगा तो यहाँ भी नाउन रहेगा। ये प्रॉपरली आपको याद रखना है कंजक्शन फॉर्म में कि ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करता है। तो देखिए एंड के बाद नाउन है तो एंड के पहले भी नाउन ही चाहिए क्योंकि ये एडजेक्टिव है पीसफुल, तो पीसफुल की जगह आपको पीस लिखना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फीमेल्स आर नॉट appreciated अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, बिल्कुल गलत है। हमने आपसे साफ साफ कहा था कि मैन और वुमेन का यूज होता है, मैन और वुमेन का यूज होता है वाक्य में। मेल और फीमेल केवल एक तभी भरा जाता है जब हम फॉर्म भरते हैं, जेंडर बताना होता है। ये एकदम साफ साफ दिख रहा है कि आंसर ए होगा, फीमेल्स नहीं कह सकते हैं। फीमेल्स के जगह क्या होगा? फीमेल्स के जगह विमेन होगा, विमेन।
आप नाउन का लेक्चर पढ़े होंगे तो हमने साफ साफ कहा था कि वाक में मेल फीमेल का यूज नहीं किया जाता है। जब भी वाक बनाते हैं तो मैन और विमेन बोलते हैं, मेल फीमेल का यूज नहीं किया जाता है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखेंगे, कल आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक करवा दूंगा ताकि देखने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो।